हाई एवरी वन दिस इज़ वोनिका आज का टॉपिक डिस्कशन का है हमारा कैटले फिश पे जिसको सिक्किम ने रिसेंटली स्टेट फिश डिक्लेयर किया है तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टिका दो वी कैन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पर पी डी एफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए बहुत सारी इस तरह की वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टेट एनिमल होता है स्टेट फ्लार होता है स्टेट फिश एम्फिब ये सब डिक्लेयर किए जाते हैं अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि इन सब का पर्पज़ क्या है कि क्यों किया जाता है एक तो वो पर्टिकुलर एनिमल प्लांट बटरफ्लाई जिसको भी आप स्टेट कुछ भी घोषित कर रहे हैं वो उस एरिया के लिए उस स्टेट के लिए यूनिक है और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न कि उसके कंजर्वेशन एफ़र्ट बढ़ाने के लिए क्योंकि अगर कोई चीज़ को इतना बड़ा रिकोग्नीशन मिल जाएगा तो उसका स्टेटस काइंड ऑफ इम्प्रूव हो गया तो उसके कंजर्वेशन एफ़र्ट्स में भी उतना ही ज़्यादा जोर लगाया जाएगा तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उसके कंजर्वेशन में फ़र्क पड़ेगा उसके कंजर्वेशन मेजर्स इम्प्रूव होंगे ओके okay? तो अब सिक्किम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इस फिश का साइंटिफिक नाम देखिए न्योलिसोकालस हेक्सागोनोलेपिस जिसको कॉमनली आप कॉपर मासीर बोलते हैं लोकली कैटले फिश कहा जाता है स्टेट फिश घोषित कर दिया है इससे इसका इम्पोर्टेंस जो है फिश का वो हाईलाइट होगा और इसके कंजर्वेशन मेजर्स पे एम्फोसिस दिया जाएगा जो मैं आपको बताया तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कहीं पे भी आपसे कोई पूछे तो ये देखिए हिंदू में भी ये न्यूज़ आपकी आई थी सिक्किम यहाँ पे आपको मैप आप में नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा तो यहाँ पे की बात हम सिक्किम की बात करें कैपिटल गैंगटॉक है इसकी साइड पे देखिए चाइना बॉर्डर है इंडिया का वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है नेपाल है यहाँ से भूटान है तो आप देख सकते हैं किन कंट्रीज से सिक्किम घिरा हुआ है लैंड लॉक्ड है अब देखिए सिक्किम में कैटले जो है वो अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे पाई जाती है इंटायर स्टेट पे तीस्ता और रंगीत रिवर्स जो हैं आपके वहाँ पे ये फिश पाई जाती है इनकी ट्राइब्यूटरीज में भी पाई जाती है 1992 में आई नेशनल ब्यूरो ऑफ़ फ़िश जेनेटिक रिसोर्स आई सी आर एन लखनऊ ने कैटले फ़िश को नाइनटीन में ही एंडेंजर्ड स्पीशीज का दर्जा जो था वो दिया था कि ये स्पीशीज एंडेंजर्ड हो, हो चुकी है लेकिन आयु सी एन ने अगर आप देखेंगे एंडेंजर्ड इसको कहा टू थाउजेंड एंड फोर्टीन में तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे लेकिन एंडेंजर्ड पहले इंडिया में ही थी या इस एरिया में ही थी फिर आयु सी एन ने भी इसको एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया कि कैटले इज एंडेंजर्ड अब सिक्किम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है रिसेंटली कि उसके जो रिज़र्वायर्स हैं स्टेट के उनको भी फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए ओपन किया जिस किस तरह के रिजर्वायर्स की बात कर रहे हैं जैसे चुंगथांग नॉर्थ सिक्किम में लेग शेप वेस्ट सिक्किम में और अलोंग विद डिगजू और रो, रोराथांग इन ईस्ट सिक्किम ये जो जगह है यहाँ पे जो रिज़र्वायर्स हैं वहाँ पे फिशिंग को बोला कि कर सकते हैं लाइसेंस इसके लिए बकायदा एक लाइसेंस इशू किया जाएगा और ये लाइसेंस कौन देगा डायरेक्टरेट ऑफ़ फ़िशरीज़ टू इंटरेस्टेड इंडिविजुअल फ़िशरमैन ये डायरेक्टरेट ऑफ़ फ़िशरीज़ ये लाइसेंस दिया जाएगा उन फ़िशरमैन को जो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम रिजोरवार में जाके भी फ़िशिंग करना चाहते हैं या फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया जाएगा जो आपके हेल्प ग्रुप्स हैं फ़िशिंग के उनको दिया जाएगा लेकिन के अंदर जो सिक्किम के प्रोविजन है एग्जिस्टिंग है सिक्किम फिशरीज रूल्स के उसके अंडर फिशिंग हो सकती है अब कैटली फिश इसको स्टेट फिश बना दिया है सिक्किम का ये कहाँ कहाँ पाई जाती है अदरवाइज इंडिया में उसके बाद बांग्लादेश नेपाल म्यांमार थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया चाइना भूटान पाकिस्तान वियतनाम तो इन कंट्रीज में ये फिश पाई जाती है कितना ग्रो कर पाती है अप टू 120 सेंटीमीटर और इसका वेट 10 किलोग्राम तक जा सकता है कैटले फ़िश की हम बात कर रहे हैं इंडिया में मोस्टली हिमालज में पाई जाती है स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया सिक्किम नागालैंड सिक्किम में कैटले अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे एंटायर स्टेट को कवर करती है हर जगह आपको ये मिलेगी और इसकी 48 एट इंडिजीनियस स्पीशीज़ हैं मासीर की सिक्किम में तो सिक्किम में ही अलग अलग तरह की मासीर जो है इसके 48 एट इंडिजीनियस स्पीशीज़ हो गए जो यहीं के ओरिजिनल हैं कहीं बाहर से नहीं आए हैं यहाँ के स्पीशीज़ मासीर के सिक्किम में ही पाए जाते हैं फिर सवाल आता है कि कैटले फिशेस जो सिक्किम में हैं इनको थ्रेट्स क्या क्या हैं तो थ्रेट्स हैं तभी एंडेंजर्ड है अब देखिए सिक्किम वाले एरिया में दो डज़न से ज़्यादा आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या तो कंप्लीट हो गए हैं या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है और या फिर प्रपोज किए गए हैं अब जो डैम्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपके बनेंगे उससे जो ये फ़िशज़ हैं इनका हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब होगा क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे जैसे होगी डैम्स की रिजर्वाइज़ की पावर जनरेशन के लिए तो रिवर्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा रिवर्स को डाइवर्ट करोगे तो उनका फ़्लो जहाँ से पहले फ़्लो कर रहे थे उनके फ़्लो में कमी आएगी या फ्लो या डेप्थ जो है वाटर की वाटर चैनल की उसमें चेंजेस आएंगे अब मासीर जो है बेसिकली ये रिवर फ्लो में अपस्ट्रीम अगर रिवर ऐसे फ़्लो कर रहा है तो ये अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है ब्रीडिंग सीजन के दौरान जब इसका ब्रीडिंग का टाइम होता है तो ये अपस्ट्रीम ट्रेवल करती है लेकिन अगर अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में वैसे ही इसको बहुत एनर्जी जा रही है अब आपने फिज़िकल स्ट्रक्चर्स बना दिए डैम्स बना दिए वो इनकी मूवमेंट को रोकते हैं हैंपर करते हैं अगर ये ब्रीड ही नहीं कर पाएंगी तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कैसे होगी तो इस तरह की थ्रेट्स हैं इनको मासीर को और थोड़ा सा जानते हैं ये एक फ़्रेश वाटर फिश है आपको फ्रेश वाटर रिवर में मिलेगी टाइप ऑफ कार्प है और एक बार ये हिमालयन रिवर्स में किसी वक्त में बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाई जाती थी बाकी जितने भी सातरी माउंटेन से भी आपके रिवर्स निकलते हैं वहाँ पर भी ये पाई जाती थी कमर्शियल इम्पॉर्टेंस भी है इस फिश का और एज़ वेल एज ये फूड फिश भी है अच्छा हाई वैल्यूड फूड फिश है मासीर और करेंटली अपने सर्वाइवल के लिए इसको लेने के इसके सर्वाइवल को लेकर ही अभी फाइट चल रही है अब नंबर ऑफ माहिर जो है वो डिक्लाइन हुए बाई फिफ्टी परसेंट तो इसका पॉपुलेशन पचास परसेंट कम हो गया रिसेंट ईयर्स में और ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि एट्टी परसेंट तक कम हो सकता है इसका पॉपुलेशन पोचिंग होती है इलीगल हंटिंग होती है पानी पोल्यूट हो रहा है टॉक्सिक वाटर है रिवर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं तो ये कितने सारे रीजंस हैं जिन्होंने इसको एंडेंजर्ड बना दिया और अब ये स्लोली एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं लगाए गए तो ये फिश एक्सटिंक्ट हो जाएगी इंटरनेशनल यूनियन आई जो है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज़ फाइव स्पीशीज ऑफ मासिरर इन इट्स एंडेंजर्ड लिस्ट फोर्टी एट मैंने आपको स्पीशीज बताए कि सिक्किम में ही इसके मिलते हैं तो उनमें से पांच स्पीशीज मासीर के ऐसे हैं जिसको आईसीएन ने भी एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल रखा है अब मासीर स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं उसके और कुछ रीजंस अगर आप उनको कंक्लूड करना चाहेंगे तो आपका इकोलॉजिकल कंडीशंस जो है एक्वाटिक सिस्टम्स की वो भी डिग्रेड हो रही हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर था पल्यूट हो रहा है टॉक्सिक वाटर्स तो लिविंग कंडीशंस इनके लिए खराब हो रही हैं तो ये सरवाइव कैसे करेंगी फिर फिशिंग इन एकदम इनडिसक्रिमिनेट फिशिंग हो रही है फिशिंग होगी क्योंकि फ़ूड सप्लाई उससे चलता है लेकिन कुछ हद तक होनी चाहिए जब वो इनडिसक्रिमिनेटली होने लग जाती है उसका एक्सप्लाइटेशन होने लग जाता है तो वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन कम होगी उसके बाद जो आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सप्लोजिव पॉइजन इलेक्ट्रोफिशिंग यूज़ करते हैं पोचर्स ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए स्टिल दे यूज़ इट इससे भी जो फिशेस हैं इनकी पॉपुलेशन लार्ज नंबर में डिस्ट्रॉय होगी यानी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन पोल्यूशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एग्जॉटिक स्पीशीज आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जॉटिक फिशेस जो बाहर से आते हैं और फिर वो नेटिव स्पीशीज को ओवरकम कर जाते हैं Uh, या फिर एलियन स्पीशीज़ कह लीजिए पॉपुलेशन प्रेशर रिसोर्स के लिए इंक्रीज़ हो रहा है कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डेफिनेटली इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी अब एक प्रोजेक्ट एक्ट फॉर मासीर इंट्रोड्यूस किया गया था एक सस्टेनेबल प्रोग्राम लाया गया था कि मासिर को हम कंजर्व करेंगे तो पिछले सिक्स डेकेड से टाटा पावर जो है वो कमिटेड है इस फैक्ट के लिए कि यहाँ पे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और नेचुरल रिसोर्स को वेस्टर्न घाट्स में ये वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है कि वहाँ हम प्रिजर्व करेंगे तो कोर पिलर सस्टेनेबिलिटी के इनके यही है केयर फॉर द इन्वायरमेंट केयर फॉर द कम्युनिटी तो टाटा पावर ने प्लेज किया है कि वो महासर को प्रोटेक्ट करेंगे कंजर्व करेंगे अब मासीर का सर्वाइवल क्यों मैटर करता है एक फ़िश अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा क्यों इसका सर्वाइवल इतना इम्पॉर्टेंट है देखिए ट्वेंटी मेगा फिशेज हैं वर्ल्ड में उनमें से मासीर एक है जो इंडिया में पाई जाती है तो अगर हम इसको एक्सटिंक्ट होने देंगे तो इंडिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं अब इसकी हेल्थ फिश की हेल्थ ऑफ बिग रिवर्स से भी कनेक्टेड है देखिए एक इकोसिस्टम में चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया चाहे लैंड पे इकोसिस्टम हो गया हर एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अगर एक एनिमल एक्सटिंक्ट होता है तो उस पूरे एरिया को फ़र्क पड़ेगा राइट तो उस बिग रिवर की इन बिग रिवर्स पे जहाँ पे ये पाई जाती हैं, उसकी हेल्थ भी इन फिशज़ पर डिपेंड करती है जैसे कि गंगा रिवर गैन्जल्स सेव गंगा मूवमेंट यहाँ पे कुछ कपल ऑफ ईयर्स में मासीर को इसके अंदर कवर करने की कोशिश भी की गई है कि इस प्रोफाइल प्रोग्राम का बेनिफिट भी मासीर को मिलेगा क्लीन रिवर्स अगर रिवर्स साफ होंगे क्योंकि एक रीजन हमने ये भी दिया कि पॉल्यूटेड और टॉक्सिक रिवर्स हैं जिनकी वजह से फिशेस की पॉपुलेशन कम हो रही है तो क्लीन रिवर्स होंगे तो फायदा होगा तो टाटा पावर को याद रखिए कि उन्होंने एक कंजर्वेशन प्रोग्राम मासीर को लेकर वो चला रहे हैं तो मेन हमारा करंट अफेयर था कि सिक्किम ने मासीर को कैटले फिश को अपना स्टेट फिश घोषित किया है और उस पर हमने पूरा मासिर को लेकर डिस्कस किया अब आपके लिए क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ वन ऑफ द फॉलिंग इन टू पॉन्स एंड वेल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द मस्कीटोज क्रैप डॉग फिश गैम्बूशिया फिश स्नेल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे एक पोल भी होगा जहाँ पे क्वेश्चन होगा आप इसको अटेम्प्ट करके आंसर दे सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए आ, ईएमआई पे भी अवेलेबल है हमारे स्मार्ट कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं जो नीचे नंबर्स दिए उन पर कॉल करके आप डिटेल्स uh, ले सकते हैं थैंक यू सो मच